नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी से आई इंडिया पर बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आज गेट फांदकर अंदर जाना पड़ा है और उस दौरान उनके इस कदम को देखकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भौचक रह गए। साथ ही मुस्तैद पुलिस भी देखती रह गई, उन्हें नहीं रोक पाई। चलिए हम आज आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश नारायण की बुधवार को जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को गेट फांदकर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर अनावरण करने को मजबूर होना पड़ा और पहले से ही मुस्तैद पुलिस सपा मुखिया को ऐसा करने से नहीं रोक सकी। आइए आपको बताते हैं कि ऐसी नौबत क्यों आई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित JPNIC में लगी जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर सपा मुखिया अखिलेश यादव को माल्यार्पण करने जाना था। एक दिन पहले ही मंगलवार की शाम को LDA ने JPNIC के गेट पर ताला लगा दिया और लोहे की चादर भी लगा दी। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। इसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अब क्या माल्यार्पण के लिए भी जयप्रकाश नारायण जी की तरह संपूर्ण क्रांति का आवाहन करना पड़ेगा। अगर भाजपा को यही मंजूर है तो यही सही। इस ट्वीट के बाद बड़े पैमाने पर JPNIC के आसपास पुलिस मुस्तैद हो गई, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने पुराने स्वरूप पर लौट आई। बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता JPNIC पर इकट्ठा होने लगे। पुलिस उन्हें धक्का देकर दूर करती रही। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंच गए और JPNIC के गेट पर ताला जड़ा होने से वह दीवार फांद कर अंदर प्रवेश कर गए। यह देखते ही तमाम समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी अंदर दाखिल हो गए। अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया कि JPNIC पर ताला डालकर भी समाजवादियों को नहीं रोक पाई अहंकारी सरकार। अब आइए आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा। जैसे पहले कार्यक्रम समाजवादी लोग करते रहे हैं, उसी तरीके से आज जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में आते थे और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस JP समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों। लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीने लगा करके, दरवाज़ा बंद कर करके, ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही JP है जिन्होंने परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी और जिस समय वो PGI अस्पताल में थे उस समय जो उन्होंने जेल डायरी लिखी उसमें लिखा कि मैं कैसे सोच सकता हूँ एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लग जाएगी।
उसमें न जाने कितने लोगों को जेल भेजा गया, कई लोग कई वर्षों रहे और उस पीड़ा को, उस तकलीफ और परेशानी को जीवन भर नहीं भूल पाए। लेकिन जो नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, जो जगाने का काम किया था, उसने परिवर्तन लाने का काम हुआ और किया जनता ने। जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं, अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं, जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके, वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज़ उठाई जा सकती है। आप आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, उन आने वाली पीढ़ी को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं, अपनी कौन सी ऐसी चीज़ छिपा रहे हैं जिससे जनता को नहीं आने देते। न केवल ये म्यूजियम जो पीछे बड़ी बड़ी इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है, जो कभी नेताजी ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने और उस समय के समाजवादी लोगों ने इसका शिलान्यास किया था। एक सरकार आई जिसने काम नहीं होने दिया, उसके बाद समाजवादी सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको शुरू किया। और न केवल भारत में बल्कि अगर ये बिल्डिंग बन करके तैयार हो जाती तो दुनिया में एक पहचान बनती बिल्डिंग की, कि हाँ जेपी के नाम पर जिसने इतने बड़े देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, लोगों को जागरूक किया और एक आवाज़ दी उन्होंने। और मुझे लगता है कि देश की जनता को एक बार फिर इस सरकार की ताकत के खिलाफ लड़ना होगा और बिना जनता की शक्ति के लोकतंत्र, समाजवाद और सेकुलरिज्म बचने वाला नहीं। जो आवाज़ उन्होंने दी थी संपूर्ण क्रांति की, मुझे उम्मीद है कि सभी समाजवादी लोग मिलकर के आने वाले समय में लोकतंत्र बचाएंगे, समाजवाद बचाएंगे, संविधान बचाएंगे और उस संविधान को बचाएंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सबको दिया है। और जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान इन्होंने बदल दिया, उसी दिन समझ लें हमारी आज़ादी भी ये लोग छीन लेंगे। पत्रकार साथियों, उसमें तो आप में से भी बहुत से ऐसे लोग थे जो इस आंदोलन में जुड़े थे। ये 24 तक जाएगा और 27 तक परिवर्तन करेगा और एक लंबी लड़ाई में, शुरुआत कहीं तो होगी, एक लंबी लड़ाई में जो 140 करोड़ का देश है, एक लंबी लड़ाई है। अगर हम दुनिया के पैमाने पे देखें, हमारी शिक्षा कहाँ है, हमारे यहाँ आपके स्वास्थ्य सेवाएँ कहाँ हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर। तो ये इतने बड़े देश के लिए अगर आज सोचेंगे तो मैं समझता हूँ अगर सपना देखेंगे सब लोग तो पूरा एक दिन जरूर होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज कुतुब नगर सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।